please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बिहार की राजधानी पटना में लालू यादव के छोटे बेटे और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप के सामने डांस करने लगे। ये मौका तेज प्रताप की शादी से पहले हुए संगीत कार्यक्रम का था, जिसमें लालू यादव के परिवार के लोग फिल्मी गानों की धुन पर नाचने लगे। इसमें बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव भी संगीत की धुन पर थिरकते दिखाई दिए। एक थीम के तहत सभी ने गॉगल्स लगाए थे। इस दौरान तेज प्रताप यादव की मंगेतर ऐश्वर्या हरे कपड़ों में शर्माती नजर आईं और बुलाने पर भी वो नहीं नाची। कुछ देर बाद वहां तेज प्रताप यादव की मां राबड़ी देवी पहुंची, जिसके बाद राबड़ी देवी, तेज प्रताप और उनकी मंगेतर ऐश्वर्या एक दूसरे का हाथ थामकर थिरकने लगे। संगीत से पहले मेहंदी का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें एक मंच पर तेज प्रताप अपने भाई तेजस्वी के साथ बैठे दिखे तो वहीं ऐश्वर्या के हाथों में मेहंदी लगाई गई। तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी 12 मई को होनी है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में करीब 20,000 लोग शामिल होंगे। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा तूफान पीड़ित इलाकों में पहुंचे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने आगरा और मथुरा जिलों में आंधी और तूफान से प्रभावित इलाकों का मुआयना करने के बाद पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता के चेक बांटे। यूपी के मिर्जापुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी का महासचिव बनाए जाने की अटकलों के बीच कहा कि उनको जो जिम्मेदारी मिलेगी वो उसको पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। लखनऊ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने योगी आदित्यनाथ की सरकार की तारीफ करते हुए दावा किया कि राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। जयपुर के प्रतापनगर में दो बदमाशों ने एक जौहरी की दुकान में घुसकर उनको गोली मार दी और फरार हो गए। राजस्थान के कोटा से 10 दिन पहले लापता हुई महिला का शव बुरी हालत में मिला, जिसे कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। राजस्थान के अलग अलग शहरों के 12 नौजवान कबूतरबाजी रैकेट के झांसे में आने के बाद सऊदी अरब के रियाद में फंस गए, जिसके बाद उन्होंने वीडियो के जरिए सरकार से मदद की गुहार लगाई। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल को 5 दिन के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई, जो हवाला मामले में जमानत मिलने के बाद से ही अस्पताल में भर्ती थे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बिजली विभाग ने एक सब्जी बेचने वाले को 9.25 लाख का बिल थमा दिया, जिसे जमा कर पाने में नाकाम रहने पर उसने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। अहमदनगर जिला जेल में कैदियों के मनोरंजन के लिए रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई, जिसमें एंकरिंग और दूसरे काम भी कैदी ही करते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में दलित समुदाय के लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने इलाके के दबंगों पर उनका हुक्का पानी बंद करने का आरोप लगाया, जिसका विरोध करने ये लोग बड़ी संख्या में एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा और आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले दमोह के नोहटा इलाके में एक यज्ञ का आयोजन किया गया था। दलित समुदाय का दावा है कि भेदभाव की वजह से उन्होंने समारोह में हिस्सा नहीं लिया, जिससे नाराज होकर गाँव के दबंगों ने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया। हम लोगों को पानी पीने को मना कर दिया है, हम लोगों को काम करने के लिए बंद कर दिया है। पुलिस ने दलित समुदाय की शिकायत पर जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। थाना प्रभारी नेता को रवाना किया गया है, तो वहां पर जाकर संबंधित पक्षों से बातचीत करके जो भी उसकी स्थिति होगी उसे अवगत कराएंगे। दलित समुदाय के लोग प्रशासन के भरोसे से संतुष्ट नहीं दिखे और उन्होंने जल्द ही इस मामले में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन करने का ऐलान कर दिया। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी घोटाला मामले में एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्रांच ने राज्य के सीएम अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार विनय बंसल को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि विनय बंसल सीएम केजरीवाल के चाड़ू सुरेंद्र बंसल के बेटे हैं, जिनकी पिछले साल मई में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। लेकिन आरोप है कि सुरेंद्र बंसल ने फर्जी कंपनियां बनाकर पीडब्ल्यूडी को करीब 10 करोड़ रुपए का चूना लगाया, जिसके बाद एसीबी ने आरोपी विनय बंसल को गिरफ्तार कर लिया। इनके ऊपर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा है और एसीबी इस पूरे मामले की एक साल से जांच कर रही थी। अब एसीबी चाहेगी कि उनको रिमांड पर लेकर एक बार फिर पूछताछ का जो सिलसिला है वो दूसरे दिन से जारी रखेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में एसीबी की तरफ से जमा कराई गई स्टेटस रिपोर्ट में भी इस घोटाले पर बड़ा दावा किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि 8 मई 2017 को पीडब्ल्यूडी में घोटाले की शिकायत पर सुरेंद्र बंसल, विनय बंसल और पीडब्ल्यूडी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज की गई थी। एसीबी का दावा है कि उसकी जांच में ये बात सामने आई कि आरोपी सुरेंद्र बंसल और विनय बंसल ने अलग अलग कामों के लिए कई फर्जी कंपनियां बनाई थी और आरोप है कि उन्होंने कागजों पर ही काम दिखाकर प्रोजेक्ट की रकम हड़प ली। एसीबी की स्टेटस रिपोर्ट में सुरेंद्र बंसल की कंपनी के बारे में भी कई दावे किए गए। मसलन एसीबी ने दावा किया कि सुरेंद्र बंसल की कंपनी रेणु कंस्ट्रक्शन को 2014 से 2016 के बीच सड़क और सीवर से जुड़े कई ठेके दिए गए। आरोप है कि रेणु कंस्ट्रक्शन को ठेका देने में नियमों का पालन नहीं हुआ और कंपनी की तरफ से जमा हुए बिल की जांच भी नहीं कराई गई। आरोपों के मुताबिक सुरेंद्र बंसल की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत भी बदली गई। स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक सुरेंद्र कंपनी ने जिन कंपनियों से सीमेंट और लोहा खरीदने का दावा किया वो कंपनियां केवल कागजों पर थी।
हालांकि सीएम केजरीवाल का नाम स्टेटस रिपोर्ट में नहीं जोड़ा गया, लेकिन दावा है कि एसीबी को मिली शिकायत में सीएम केजरीवाल का भी नाम था। इसीलिए इस मामले पर दिल्ली सरकार की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें दिल्ली सरकार ने एसीबी की जांच रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए और मामले की शिकायत करने वाले राहुल शर्मा और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी के बीच सांठगांठ होने का आरोप लगा दिया। कि वो एनजीओ जो है उनका फोन नंबर मेरे पास है जी। और उनकी व्हाट्सएप में जो फोटो है ना, वो उनकी और मनोज तिवारी की फोटो लगी हुई है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर शिकायतकर्ता राहुल शर्मा के वकील ने भी पलटवार करते हुए घोटाले में सीएम केजरीवाल की भूमिका को लेकर संदेह जताया। इतना बड़ा घोटाला मिस्टर केजरीवाल की सहमति के बगैर हुआ नहीं था, हो सकता नहीं था। उम्मीद करते हैं पुलिस जरूर उसको भी इन्वेस्टिगेट करेगी। मामले को तूल पकड़ता देख डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मीडिया के सामने आए और विनय बंसल के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई को साजिश करार दे दिया। यही नहीं, मनीष सिसोदिया ने सीएम के चाड़ू सुरेंद्र बंसल और उनके बेटे पर लगे आरोपों को भी बेबुनियाद बताया और इशारों में एसीबी की कार्रवाई के पीछे बीजेपी को लपेटे में ले लिया। ये सब उसी चेन का हिस्सा है जिसके तहत आम आदमी पार्टी के विधायकों को अरेस्ट किया गया, जिसके तहत आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, रिश्तेदारों को नहीं छोड़ा जा रहा। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि कितनी भी लंबी रात हो, भोर तो होनी है, कितनी छुपाओ पाप मगर शोर तो होनी है। सुरेंद्र बंसल और उनके बेटे विनय बंसल के साथ इस मामले में पीडब्ल्यूडी के भी कई अधिकारियों की भूमिका शक के दायरे में है। दावा है कि एसीबी जल्द इन लोगों से भी पूछताछ कर सकती है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक रेप पीड़ित नकाबपोश लड़की अपनी आपबीती सुनाने लगी। लड़की का आरोप है कि रेप के मामले में बयान नहीं बदलने पर गांव की पंचायत ने उसका और उसके परिवार का बहिष्कार कर दिया, जिसकी वजह से पीड़ित परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गांव का कोई भी दुकानदार ना तो इन्हें सम्मान देता है और ना ही गांव के लोग इनसे बात करते हैं। उन्होंने बोला कि तुम मुकदमा उठा लो और कोर्ट में बयान बदल दो, इसे समझौता कर लो। पीड़ित का आरोप है कि पंचायत का फरमान नहीं मानने पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश भी जारी किया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने एसपी से की। इससे बात करते तो 11,000 रुपए दंड कर देते। लड़की का आरोप है कि गांव के ही एक लड़के ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसका रेप किया, जिसकी शिकायत उसने पुलिस में की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की और अब इस मामले में 17 मई को कोर्ट में सुनवाई होनी है। दुष्कर्म किया था 26/2/2017 को। वहीं राज्य के महिला आयोग ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी से बात की। गांव वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दिया गया है और जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। महिला आयोग ने भरोसा दिलाया कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी ताकि उनके साथ किसी तरह की अनहोनी ना हो। यूपी के कासगंज में सरेआम तीन लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया। बदमाशों ने तीन लोगों की चारपाई से बांधकर हत्या कर दी। तीनों लोगों की हत्या सिर पर लोहे का सरिया मारकर की गई है। तीन लोगों की हत्या के बाद लोगों में पुलिस के खिलाफ नाराजगी है। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, तीन लोगों की हत्या हो जाती है, कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल जस्टिस, कासगंज चूंकि लगातार सुर्खियों में रहा, अभी वहां काफी विवाद हुआ था और जो घटना घटी रात में, एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या कर दी जाती है और बाकायदा दर्जन भर आधा दर्जन बदमाश पहुंचते हैं और उन्हें चारपाई से बांध दिया जाता है, उसके बाद सरिया से प्रहार कर जिस तरह से बावरिया गैंग हत्या करती उस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया और पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई, जिसको लेकर काफी भीड़ वहां एकत्रित हो गई। हजारों लोग उस गांव में एकत्रित हो गए हैं, पुलिस के खिलाफ काफी आक्रोश और निश्चित तौर पर जो है कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि कोई भी ऐसी घटना घटती है उसमें जो आरोपी है वो पकड़े नहीं जाते, जिसको लेकर पब्लिक नाराज होती है। जी जी अजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीरिया के गोलन हाइट्स में रात के वक्त एक लॉन्चर से कई मिसाइलें लगातार दागी गईं। इसराइल ने आरोप लगाया कि ईरान की सेना ने वहां ये मिसाइलें दागी, जिसके लिए रात का वक्त चुना गया और एक के बाद एक 20 मिसाइलें दागी गईं। यही नहीं, इस दौरान इसराइल और ईरान के सैनिकों का आमना सामना भी हुआ। आरोप है कि मिसाइल हमले के बाद ईरान की स्पेशल फोर्स यूनिट के कई लड़ाकू विमान रात भर आसमान में उड़ते रहे और धमाकों की आवाजें आती रहीं। The Iranians declare their intention to attack us. They're trying to transfer forces and deadly weapons there with the explicit goal of attacking Israel. Israel ki sena ne dawa kiya ki Iran ne pehli baar seedhe uske sainikon par hamla kiya, halanki is hamle se kisi tarah ka nuksan nahi hua. Dawa hai ki Israel ne bhi Iran ka jawab dete hue Syria mein uske thikano par hamla kiya. Isse pehle bhi Israel ne Syria mein hamle kiye the jinme Iran ke log mare gaye the. बेंगलुरु के आर आर नगर विधानसभा में चुनाव टालने की बीजेपी की मांग पर आज फैसला हो सकता है। आर आर नगर के एक फ्लैट से करीब 10,000 वोटर आई कार्ड मिलने के बाद
कांग्रेस और बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप का दौर लंबा चला, जिसके बाद बीजेपी ने वहां विधानसभा चुनाव टालने की मांग की, जिस पर चुनाव आयोग आज फैसला लेगा। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी और स्पेशल ऑब्जर्वर से इस पूरे मामले की जानकारी मांगी है। गुरुवार को इस मुद्दे पर 2.5 घंटे तक चली चुनाव आयोग की बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से मुखातिब हुए राहुल गांधी ने फासला कम करने के लिए टेबल से पानी की बोतल उठाकर जमीन पर रख दी। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर सीधे हमले किए, जिसके लिए उन्होंने चुनावी रैलियों के बजाय इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा लिया, जिसमें उनके साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। मीडिया से बात शुरू करते ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की तरफ से सोनिया गांधी को इटालियन मां कहे जाने पर पलटवार किया। माय मदर इज इटालियन, माय मदर हैज आल्सो लिव्ड लार्जर पार्ट ऑफ हर लाइफ इन इंडिया, माय मदर हैज सैक्रिफाइस्ड फॉर दिस कंट्री। कांग्रेस अध्यक्ष ने 2019 के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद पर अपनी दावेदारी पर भी जवाब दिया। मिस्टर नरेंद्र मोदी लाइक्स टू डिस्ट्रैक्ट पीपल, दिस इलेक्शन इज नथिंग टू डू विद राहुल गांधी, दिस इलेक्शन इज टू डू विद द फ्यूचर ऑफ कर्नाटका। राहुल गांधी ने मीडिया के सामने कर्नाटक चुनाव में मोदी सरकार में हुए राफेल सौदे का भी मुद्दा उठा दिया। और लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ हुई इस डील के सहारे मोदी सरकार के करीबी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगा दिया। कर्नाटक में मतदान से ठीक 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष के पीएम मोदी पर सीधे हमले के बाद बीजेपी भी सामने आई, उसके नेताओं ने भी मोर्चा संभालते हुए राहुल गांधी पर पलटवार किया। हालांकि इस सियासी हमले में भी उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के प्रधानमंत्री बनने की इच्छा को ही मुद्दा बनाया। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनने की आपकी इच्छा है, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री वही बनता है जिसे जनता चुनती है, लेकिन लोकतंत्र में दिन में सपने देखने पर कोई पाबंदी नहीं। बीजेपी ने मोदी सरकार की विदेश नीति से देश का माहौल खराब करने के आरोपों को भी खारिज कर दिया। यूपी के सीतापुर में आदमखोर कुत्तों के हमले में कई बच्चों की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सीतापुर में पिछले कुछ दिनों में कुत्तों के हमलों में 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। कुत्तों के बढ़ते खौफ के बाद संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई के समय हाईकोर्ट ने कुत्तों के आतंक पर काबू पाने के उपायों पर राज्य सरकार से 4 जुलाई तक जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई अब 4 जुलाई को होगी। आज के देश में जहाँ डिजिटल इंडिया हो, जहाँ लोग सोशल मीडिया पर समय गुजारते हो, जहाँ पर तरक्की और खुशहाली की बात हो, बच्चे जान ले रहे हो, बच्चों की जान कुत्ते ले रहे हो और सरकार न पकड़ पा रही हो, पूरी सरकार लगी है पकड़ने के लिए, सोचिए उन बच्चों की मदद नहीं करी सरकार, उन बच्चों के परिवार के लिए भी समाजवादी पार्टी उन परिवारों को 10 लाख रुपए की मदद मांग करती है कि सरकार को मदद करने के 10 लाख रुपए से। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे और इस बीच सरकार से जवाब भी मांगा गया है। आवारा कुत्तों के हमले में अब तक 12 बच्चों की मौत हो चुकी।